हिमाचल की धरती से आपने कितने नौजवान हमारे सरहद पे भेजे, कितने आपके बेटे शहीद हुए इस देश के लिए, उनका लहू इस देश की धरती में है, सींचा है इस देश की धरती को उनके खून ने, उनके पसीने ने। और आज मोदी जी की सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है, जहां बेरोजगारी पहले से फैली है, जहां पे आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपके दिल में देशभक्ति की भावना होती है, उन बच्चों के दिल में देशभक्ति की भावना होती है कि कुछ हो जाए तो देश के लिए होगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। और वो बच्चा, उसका क्या भविष्य बना दिया कि 4 सालों के लिए वो सेना में भर्ती होगा और 4 साल बाद वापिस आएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और अगर सरहद पे शहीद हो गया तो उसके माँ बाप को शहादत का पेंशन भी नहीं मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। और किसी बड़े अफसर का बेटा अगर जाता है, शहीद होता है, तो उसको मिलेगा। तो इन्होंने पेंशन में भी भेदभाव किया है, गरीबों के लिए अलग, अमीर अफसरों के लिए अलग। और जहां हमने पुराने पेंशन की बात की सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये पीछे हट गए, कहने लगे कि नहीं नहीं अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। यहां हिमाचल की सरकार ने उन पुराना पेंशन दिलवाया, शुरू किया ये काम, और वहां केंद्र की सरकार से जो पैसे भेजने पड़ते हैं वो रुकवा लिए ताकि यहां लागू ना हो पाए। तो परिस्थितियां क्या है कि नौजवान बेरोजगार है, आप स्कीम रोजगार के लिए नहीं ला रहे हैं। जहां जहां से रोजगार बनता था, चाहे बड़े सरकारी कारखाने थे, चाहे छोटे मध्यम बिजनेस थे, चाहे खेती किसानी थी, सब आपने लगभग ठप कर दिया अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के फायदे के लिए। ऊपर से जो स्कीम आप ला रहे हैं उससे जनता और भी निराश हो रही है, नौजवानों की उम्मीदें टूट रही हैं। देश के लिए सरहद पे खड़े होकर जो एक समय में शहीद होने के लिए तैयार था, वो आज रोता है, कहता है मुझे सेना में नहीं जाना, 4 साल बाद वापस आके क्या करूंगा। मैं तो ऐसे बच्चों से मिली हूं जो रोने लगे। हमने ओआरओपी की बात की, मतलब वन रैंक वन पेंशन की बात, इन्होंने उसको भी बदल डाला, वन रैंक और तरह तरह के पेंशन। आज सेना में कोई जाता है, भर्ती होता है, चोट लग जाती है, एक टांग नहीं इस्तेमाल कर सकते या एक हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको डिसेबिलिटी का पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, वो भी काट दिया है। तो जनता के लिए कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं 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 भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकोड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकोड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में
गर्मी है काफी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए कटाकट कटाकट कटाकट, पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे, आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं, उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा।